हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने डब्ल्यूसीएस के चैप्टर में पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वर्क एंड टाइम एंड एवरेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले समझेंगे वर्क एंड टाइम। वर्क का मतलब होता है कार्य, टाइम का मतलब होता है समय। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन बोल सकते हैं हम इन दोनों को, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहला है इसको समझने के लिए कि समान कार्य क्षमता वाले व्यक्ति समान कार्य क्षमता वाले व्यक्ति की संख्या और किए जाने वाला कार्य समय दिनों के अनुपात में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम होगा वो एक दूसरे के समय के रेशियो के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मान लीजिए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, तो इसके द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा, 1/15, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं। एक तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और कुछ हम इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 8 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझेंगे, तो जब भी काम कोई एक ही काम दिया होगा पर्टिकुलरली, तो हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि दिया हुआ, यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को 32 दिन में कर रहे हैं, तो उसी कार्य को 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो 5 व्यक्ति 32 दिन में एक कार्य करते हैं, तो 8 व्यक्ति कितने दिनों में उसी कार्य को करेंगे। कार्य वही सेम है, जब भी कार्य सेम रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसको हम याद रख लेते हैं MDH upon W, फर्दर कर देते हैं M1 D1 H1 upon W, W को सेम रहेगा हमारा, ठीक है। MDH आप याद रखते हैं, MDH मसाले होते हैं ना, उसके थ्रू याद रखते हैं। MDH/W = MDH/W। M क्या है यहाँ पे, M है मैन, M डोनोट करता है मैन को, D कर रहा है डेज को, और H कर रहा है आवर्स को। डेज माने दिन, आवर्स माने घंटे, और मैन माने व्यक्ति। व्यक्ति में कोई पूछ सकता है मेल या फीमेल, ठीक है। और डब्ल्यू माने डब्ल्यू डिनोट करता है वर्क को, वर्क का मतलब पता ही सबको, कार्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते थे। तो देखो यहां से 8 * 8 = 32, 5 * 20, तो 20 = क्या आएगा, x। तो 8 व्यक्ति इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर देंगे। 8 व्यक्ति इस कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नोट डाउन कर लो आप सब इसको। इसके बाद हम बात करते हैं औसत की। औसत एवरेज क्या होता है जानेंगे। औसत इसी को हम बोलते हैं एवरेज।
मान लीजिए तीन नंबर है, उनका मैं एवरेज निकालना है। मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, आप लोग सब आप अपने घर से कॉलेज तक आते हैं, और कॉलेज तक आने में आप तीन प्रकार से गति कर रहे हैं। सबसे पहले आप कर रहे हैं 20 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं, फिर आप 30 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं, फिर आप मान लीजिए 40 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि आपकी औसत गति क्या थी, आपकी औसत चाल क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी आपकी, तो आप कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने के लिए करते हैं, फॉर्मूला होता है औसत एवरेज बराबर, औसत एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ n बटे n। ठीक है, समेशन ऑफ n डिनोट करेगा यहाँ पे टोटल ऑफ नंबर, और n यूज करेगा टोटल नंबर। ठीक है, तो जैसे अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखते हैं 20, 30, 50 और 40 कितना हुआ हमारा 90। तो टोटल हो गया हमारी स्पीड थी 90, और बेटे कितने बार दिए हमें, 1, 2 और 3, तो टोटल नंबर कितने हैं 3। तो 90 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या हो जाएगी स्पीड आ जाएगी टोटल निकल कर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर आवर की जो हमारी स्पीड, ये क्या हो जाएगी हमारी औसत चाल हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, इसको ही हम औसत चाल बोलेंगे, इसको ही हम एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो ये हमारा औसत था, और इससे पहले मैंने आपको वर्क एंड टाइम समझाया, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें हमसे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।